ठीक होगी, ये कहने की बात है। इंसान की वृत्ति जितना सिस्टम फिट है वो पूरा होकर के रहेगा। भाग गई अब इसे अंततोगत्वा मौत नजर आई तो इसने सोचा भी ईश्वर को याद कर लिया जाए। अक्सर यही लोग करते हैं, तुम लोग भी यही भूल करके बैठे हो। जब दुनिया से हार गए हो तब तुम्हें ईश्वर बागेश्वर याद आया। उस हाथी ने भी कोई बड़ी बात नई बात नहीं की, तुम भी वही करके बैठ रहे हो, वही करने तुम बैठे भी। जब तुम हार गए, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा परिवार अब ठीक नहीं कर पाएगा तुम्हारी बीमारी, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, जब तुम्हें लगा कि दुनिया की हर दवा फेल है, तब तुम दुआ मांगने चले आए हो। बदमाश, इतने बड़े बदमाश हो। अब ईश्वर अगर ठीक कर दे तो ईश्वर है, और नहीं करेगा तो तुम भगवान को भी प्रमाण पत्र दे देते हो कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं। आखिर तुमसे बड़ा बदमाश होगा कौन? कोई नहीं होगा। हाथी ने भी यही किया। डूबते डूबते उस गज ने भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भगवान आए, डूबने लगा कमल का पुष्प, सबको कथा पता है, कमल का पुष्प उसने तोड़ा अपनी सूर से, भगवान की तरफ उछाला कि मैं जा तो रहा हूं, पर याद रखना दुनिया ये कहेगी कि स्तुति करने के बाद भी उसकी पुकार नहीं सुनी आपने। और हमने सुना पुकार में बहुत ताकत है, और बात भी बहुत अच्छी है। पुकार चाहे तुम संस्कृत में करो या अंग्रेजी में करो या उर्दू में करो, पुकार में इतनी ताकत है। कोई भक्त अगर पुकारे तो भगवान को आना पड़ता है, परंतु पुकार में आर्तनाद होना चाहिए। आर्तनाद का मतलब है वाणी या गले से पुकार नहीं, हृदय से पुकार होनी चाहिए। वाणी या गले की पुकार सिर्फ एक शोर मचाएगी, हृदय की पुकार ईश्वर तक जाएगी। उसने पुकारा, भगवान भी ठहर नहीं पाए। भगवान अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के दौड़े चले आए। भगवान ने सोचा कि जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक भगवान विष्णु सोचते हैं ये मर जाएगा हमारा भक्त। लोग कहेंगे स्तुति करने के बाद भगवान के आने के बाद भी नहीं बचा पाए। भगवान ने ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, मगरमच्छ का सिर कट गया, हाथी बच गया। बात खत्म नहीं, खत्म नहीं। रुको रुको, भगवान आए। हमारे तुम्हारे जैसे कई पत्रकार भगवान के भी पीछे लगे हैं। उन्होंने माइक थमा दिया भगवान के सामने कि आप हमको इंटरव्यू दीजिए। भगवान बोले बोलो। उन्होंने पूछा, हमने सुना कि आप गज की पुकार पर आए, हाथी को गज कहते हैं, आप गज की पुकार पर आए। भगवान बोले यस। तो पत्रकारों ने पूछा कि हमने सुना आपको बुलाया था गज ने, मर रहा था, आप बचाने आए। भगवान बोले हाँ। पत्रकारों ने फिर कहा हमने सुना आपकी स्तुति गज ने की, मगरमच्छ ने नहीं की। भगवान बोले सच है, गज ने की। पत्रकारों ने फिर कहा हमने सुना आप गज की पुकार सुनकर के उसके प्राण बचाने आए। भगवान बोले हाँ। फिर पत्रकारों ने कहा फिर सबसे पहले उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया? पुकारा गज ने, आए गज के कारण, बुलाया गज ने, स्तुति उसने की, पुकार उसने की, उद्धार मगरमच्छ का, ये कौन सी इंसाफी है? ना इंसाफी है, बेफिजूली की बातें बंद करो। भगवान भी भगवान है। भगवान मुस्कुराकर बोले अरे पगला बुद्धू, मूड मत, धूम केतु सत्य है। पुकारा गज ने, आए गज के कारण, बुलाया गज ने, पर बेटा वो हमारा भक्त है, गज हमारा भक्त है। हमारे भक्त का उद्धार तो निश्चित है, जो हमारे भक्त के चरण पकड़ लेता हम उसका पहले उद्धार करते।